Hello dear students, today we are going to solve this question, page number 109, add the following fractions. आपको क्या करना है? Fractions को add करना है. अभी तक हमने simple number plus किए हैं, अब आपको fractions plus करना है. तो fractions plus करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा उसका denominator अगर different दिए हैं, तो आपको denominator को same बनाना होगा. Denominator means this one, नीचे वाला number होता है आपको denominator. Here 18, here 10 and here 15. तो ये 18, 10 और 15 तीनों की जगह आपको किसी सेम नंबर को लेना होगा. तो कौन सा नंबर चूज करेंगे उसके लिए? उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसका एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम ऑफ 18, 10 एंड 15 निकालिए. एलसीएम 18, 10 और 15 इससे डिवाइड होगा. 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले. 2 9 से 18, 2 5 से 10 एंड 15 ऐसे. नाउ 5 से डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे. 3 3 से 9, 5 3 से डिवाइड नहीं होगा. 15, 15 को 3 से डिवाइड किया तो 3 5 से 15. अगेन 3 से कर दिया, 5 1 से 5 को 3 डिवाइड नहीं कर पाएगा. अब 5 लेंगे, 5 5 5 5 5 5 और ये 1 एज इट इज. एलसीएम क्या आ गया आपका? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 18 5 जा 19. तो आपका एलसीएम आया 19. अब आपको ये तीनों जो डिनोमिनेटर दिए हैं इनको क्या बनाना पड़ेगा? 90 बनाना पड़ेगा. मेरा नंबर जो हमने 11 को 90, 18 को 90 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई होगा? किससे होगा? 5 से. तो 5 11 18 5 से होता है 19. एक मिनट. यस, तो 18 5 से 19. सेकेंड नंबर 7 अपॉन में 10. ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 10 को हमको बनाना है 90, तो 9 से. 10 9 से 90, 7 9 से 63. 9 10 9 से 90. नेक्स्ट नंबर लिया हमने 8 अपॉन में 15. 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाए? 6 से. तो 8 अपॉन 15 को हम लोग कर लेते हैं किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से. 6 से जा. अब आपको इन तीनों को ऐड करना है. वैसे आपको ये तीनों नंबर दिए थे ऐड करने के लिए, लेकिन हमने इनके इक्विवेलेंट नंबर बना लिए और ये इक्विवेलेंट नंबर जो है तीनों के डिनोमिनेटर अब सेम आ गए, तो आप उसको इजीली प्लस कर सकते हैं. तो 55 अपॉन में 90 प्लस 63 अपॉन में 90 प्लस 48 अपॉन में 90. जब फ्रैक्शंस वाले नंबर को प्लस करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम होता है. डिनोमिनेटर को प्लस नहीं करना आपको, डिनोमिनेटर को आप वन टाइम लिखेंगे नीचे और ऊपर वाले सारे नंबर को प्लस कर देंगे. 55 प्लस 63 प्लस 48 तीनों को प्लस कर लिया तो 55 63 एंड 48 प्लस कर देंगे. This is the answer. Now let